Hello everyone, this is Mrutuk Maheshma and you're watching Meter Kilogram Second, and in this video we are going to solve this spring and a pendulum problem. So let us just try to understand what the problem actually is. Okay, so pehle samajh lete hain problem mein hame karna kya hai. So over here we have a mass capital M. All right, so this mass capital M is actually connected with this spring with a spring constant K, और इसकी मास M से M की हेल्प से एक और मास लटका हुआ है यहाँ पर, and this mass is small m. Alright, so let us just try to mark everything over here. So we are actually going to solve this problem with Lagrangian mechanics. Let me write it over here. We are actually going to solve this problem using Lagrangian mechanics. Okay, so first of all, what we will try to do is we'll try to find out the Lagrangian of this system, and after finding out the Lagrangian of the system, we can actually find out the equation of motion, which I'll give to you as a homework problem, so you can work on that. Okay, so यहाँ पे समझ लेते हैं अब. सो जैसा कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम में देख पा रहे होगे, मास m यहाँ पर था, कुछ इस पोजीशन में था. सो लेट अस जस्ट कॉल इट a. सो यहाँ पर थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम लोग. सो दिस इज योर o. ऑलराइट, दिस इज o. o मतलब ऑरिजिन, एंड ऑरिजिन से यहाँ पर आपका मास m a पॉइंट पर था, एंड देन वी कैन एक्चुअली टेक इट टू b पॉइंट आफ्टर स्ट्रेचिंग इट, and this point is C for your small m, and now C comes at point D because of this stretching. ठीक है, और यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, ये मास m भी इस पेंडुलम में मोशन कर रहा है, कुछ टू एंड फ्रो वाला मोशन कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो एट वन पॉइंट क्या होगा, जब मास m इधर है, एंड देन एट द सेकंड पॉइंट आप क्या हो सकता है, मास m यहाँ पर भी हो सकता है. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है. सो दिस कैन ऑल्सो बी शोन लाइक दिस, यहाँ पर भी शो किया जा सकता है. ठीक है, सो आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम, क्या क्या करना है हमें यहाँ पे. ठीक है, सो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले कुछ चीज़ें पहले से ही सेट कर लेते हैं. तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट हमारा है, सो यहाँ पर आपका मोशन क्या हो सकता है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, एंड देन द मोशन कैन ऑल्सो बी इन y कोऑर्डिनेट. ठीक है, सो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, लेट अस कॉल इट y इक्वल 0, एंड एट दिस पॉइंट योर पोटेंशियल एनर्जी और v इज 0. ठीक है, सो वेन एवर यू गो डाउनवर्ड्स योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, एंड इफ यू गो अपवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव. ओके, सो in this problem what will happen is your this small m will have a negative potential energy because it is in the down direction, or it is lower to this y equals to 0 axis. ठीक है, so अब यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम को. तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, सो लेट जस्ट कॉल इट, सो यहाँ पर हमने b दे दिया, इसे नाम यहाँ c हो गया, ये d हो गया, लेट्स कॉल इट e. ठीक है, जो ये e d है, दिस विल बी l साइन थीटा. ओके, दिस विल बी l साइन थीटा, एंड दिस b e विल बी योर, सो लेट्स जस्ट मेक इट हियर, और लेट्स कॉल इट b e जो आपका होगा, दैट विल बी l cos थीटा. ठीक है, सो हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम सेट कर ली है. एंड नाउ अब आपको एक और चीज़ ध्यान में देनी होगी, वो ये देनी होगी कि जब भी आप कोई भी पोजीशन मेज़र करोगे, वो आप इस ऑरिजिन ओ से मेज़र करोगे, या फिर इसके रेस्पेक्ट में जो ये वाली एक्सेस आई हुई है, ठीक है, दिस एक्सेस आप इससे मेज़र करोगे. अगर आपको किसी भी पार्टिकल की स्मॉल एम या कैपिटल एम की पोजिशन को मेज़र करना है तो. ठीक है, तो अब पहला काम ये है कि हमें निकालनी है लैग्रांजियन, एंड लैग्रांजियन इज गिवन बाय टी माइनस वी. ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. सो टी इज योर किनेटिक एनर्जी, एंड योर वी इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो पहला काम अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल सॉरी किनेटिक एनर्जी को निकालना है। सो किनेटिक एनर्जी सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम की। सो कैपिटल एम के लिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही सिंपल है, सिंस यू आर हैविंग योर कैपिटल एम ओवर हेयर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सिंस एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो पोटेंशियल किनेटिक एनर्जी होगी वहाँ पर जीरो होगी एंड सिंस दिस m is at y equals 0 axis, so this will also will not have any potential energy, so potential energy भी इसकी जीरो हो जाएगी। बट जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे सो टेक्निकली वी आर एक्चुअली मूविंग इट इन द x डायरेक्शन एंड जब इसे छोड़ा जाएगा सो इट विल काइंड ऑफ हैव velocity और सिंस इट विल काइंड ऑफ डिस्प्लेस इट्स पोजिशन, सो इसकी वजह से आपको क्या आ जाएगा, इसमें kinetic energy आ जाएगी। okay, and also since you will be stretching it and because of that क्या होगा, आपकी जो potential energy होगी वो store हो जाएगी इसमें, इस spring में। so technically जो मैंने अभी पहले कहा था कि आप y को 0 पे, तो इसमें कोई gravitational potential energy नहीं होगी but it will have this elastic potential energy। okay, so for this Tm we can actually write half capital M x डॉट स्क्वायर। ओके, सो x डॉट स्क्वायर मैंने क्यों रखा है, सो यहाँ पर एक और बात समझ लेते हैं, क्योंकि आप ओ बी लेके आ रहे हो, क्योंकि आप फाइनली आप ये पोजीशन देखोगे ओ बी देखोगे, ठीक है ना, कि ओ ए देखोगे, जब ये स्ट्रेस था तब देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी लगाते हैं बिकॉज दिस इज योर किनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इज ओ एम। ठीक है, सो ओ एम इज एक्चुअली गिवन बाय ए प्लस एक्स एंड देन यू विल काइंड ऑफ डू ओ एम डॉट, सो दैट विल लीड टू एक्स डॉट। सो चेंज इन योर पोजीशन दैट इज योर ओ एम इज नथिंग बट एक्स डॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट, so we'll put it over here, so Tm will be the kinetic energy of particle with mass capital M will be half capital M x dot squared। ठीक है, वैसे ही अगर हम potential energy निकालना चाहें के साथ, तो this will be given by half k x square। so इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये ऐसा क्यों हुआ, because it is a simple equation from 11th or 12th class। ऐसे ही हम लोग potential energy निकालते हैं spring के लिए। alright, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो हम लोग आते हैं इस मास स्मॉल एम पर, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पर आपका जो मोशन हो रहा है दैट मोशन इज़ नॉट ओनली इन एक्स डायरेक्शन बट इट इज़ ऑल्सो इन दी वाई डायरेक्शन। जैसे सी, जब ये पार्टिकल स्मॉल एम मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल बी मूविंग इन एक्स डायरेक्शन बट ऑल्सो इट विल चेंज इट्स पोजीशन इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको जो किनेटिक एनर्जी निकाली जाएगी, सो किनेटिक एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं जो आपका एक्स पोजीशन, मैं कैपिटल एक्स मान के चल रहा हूँ, जो आपका ऑरिजिन ओ से या फिर ऑरिजिन ओ की जो एक्सिस आई है इससे जो डिस्टेंस है इस स्मॉल एम की वो मैं लेके चल रहा हूँ। सो दैट डिस्टेंस विल बी ए प्लस एक्स, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हो, प्लस आपका L sin theta because your mass m will move in this x direction। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, x equals a plus x plus L sin theta, so this will be your position of in x direction of your mass m। alright, एंड ऑल्सो सिंस हम लोगों ने ये y को 0 एक्सेस मान के रखे हैं इसको, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऊपर से नीचे की पोजीशन देखेंगे एंड सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो दिस कैन बी गिवन एज, सो लेट अस कॉल इट कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई विल बी माइनस एल कॉस थीटा। ऑलराइट, सो अब जैसे आपको पता होगा जो वेलोसिटी स्क्वायर है या फिर एक्स डॉट स्क्वायर है जो हम यहाँ पर पुट करते हैं इन किनेटिक एनर्जी इक्वेशन, दैट विल बी नथिंग बट एक्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटी है आपकी वो प्लस वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटी है इसका स्क्वायर। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ दिस। सो वेलोसिटी स्क्वायर सिंस हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग इस रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक्स डॉट निकाल लेते हैं। सो एक्स डॉट विल बी नथिंग बट एक्स डॉट प्लस एल कॉस थीटा एंड ऑल्सो वी विल पुट थीटा डॉट एज वेल, राइट। सो यहाँ पर आपका थीटा डॉट भी आएगा, ठीक है, थीटा डॉट भी आएगा। एंड वाई डॉट विल बी नथिंग बट माइनस और सॉरी इट विल बी प्लस बिकॉज कॉस है यहाँ पे। दिस विल बी एल साइन थीटा, साइन थीटा थीटा डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेन रूल लगाया है, सो यू विल हैव टू एक्चुअली बी रियली रियली केयरफुल अबाउट दैट। सो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, वेलोसिटी स्क्वायर विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर। सो एक्स डॉट प्लस एल कॉस थीटा थीटा डॉट होल स्क्वायर्ड प्लस एल साइन थीटा थीटा डॉट होल स्क्वायर, ओके। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2x डॉट थीटा डॉट एल कॉस थीटा एंड प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर theta theta dot square, ठीक है। so now you can actually see that you can actually combine these two coordinates। तो इससे क्या होगा, sorry आप इन polynomials को add कर सकते हो। so this will lead to x dot square and then cos and square plus sin square आपका 1 होता है। you will just have l square theta dot squared plus 2x dot theta dot l cos theta। Alright, so this is your velocity squared equation for mass small m. So you can actually find out the kinetic energy of your small m, which will be given as half small m and then the velocity squared, okay. So velocity squared we have already found over here. We can actually put it like this, x dot square plus l square theta dot squared plus 2x dot theta dot L cos theta, okay. So this is your what do we say kinetic energy for your small m. So now we'll have to find out the potential energy for your small m. So potential energy will be what, since you are actually moving. So I have already put it in the, so when I was actually talking about what will be your conditions. So in this condition we have already talked about that at y equals 0 axis you will have zero potential energy. So technically जब आप नीचे move करोगे, so when you will move in downward direction your potential energy will decrease, your gravitational potential energy will decrease. So what we'll do is we'll put negative potential energy. So negative, what negative potential energy will be taken as, that will be minus mgl sine, not sine, minus mgl cos theta. So in this problem what we'll put it, mg minus mgl cos theta. So this will be your potential energy, all right. So now let us just sum it over. So we'll have to actually sum everything over. So kinetic energy will be summed over and the potential energy will be summed over, all right. So we have total kinetic energy as half m x dot square plus l square theta dot square plus 2x dot theta dot l cos theta plus half capital M x dot square, all right. So this is your total kinetic energy, and then the potential energy will be half m x square plus, not plus actually, that will be minus mgl cos theta, all right. So your Lagrangian, as we have already talked about, t minus v. So Lagrangian will be given by half m x dot squared plus l square theta dot square plus 2x dot theta dot l cos theta plus half m capital M x dot squared minus half capital M x square, okay. So I made a mistake actually, yes, So this will not be m, this has to be k actually. This has to be k. Okay, so mistake falls over here. This has to be k. Half k is x square, and this will be mgl cos theta. So this will be your Lagrangian for this problem. All right, so using this Euler-Lagrange equation that is given by total time derivative of partial derivative with respect to q dot minus del l over del q equals 0. So this is your Euler-Lagrange equation. You can actually apply this equation with respect to x and with respect to theta, then you will actually get your equation of motion with respect to x and theta. All right, so that was all from my side for today. So thanks for watching this video, and I'll see you in the next one.